Thank you.
एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल फॉर साड़ी के लिए। एंड तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगी, सर्दियाँ चल रही हैं तो अपने अपने स्किन की केयर कैसे कर सकते हो और क्या क्या यूज करना चाहिए सब कुछ बताने वाली हूँ, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। सबसे पहले तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजर यानी ऑयली क्रीम यूज करोगे, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो भी आपको सर्दियों के टाइम पे ऑयली स्किन भी थोड़ी ड्राई होने लगती है, बट ऑयली स्किन को स्क्रब टाइम टाइम पे करना चाहिए। ड्राई स्किन है तो भी आपको स्क्रबिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे स्क्रब कर रही हूँ आपको हफ्ते में एक बार। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो हफ्ते में एक बार आप स्क्रब करोगे, ऑयली स्किन है तो आपको हफ्ते में दो बार स्क्रब करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमारी ऑयली स्किन होती है तो हमारे
पोस्ट से जो ऑयल निकलता है उसकी वजह से हमारी स्किन डे बाय डे सांवली होने लगती है और बहुत ज्यादा डेड स्किन इकट्ठी हो जाती है। और जो हमारी ड्राई स्किन होती है तो हमारी ड्राई स्किन पे भी बहुत ज्यादा हम लोग ऑयल बेस्ड क्रीम यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी धूल मिट्टी हमारे स्किन पे जाता रहता है और हमारा ड्राई स्किन जल्दी से सांवला दिखने लग जाता है। तो इसके लिए आप अपनी स्किन को अच्छे से हेल्दी दिखाने के लिए आपको कोई भी स्क्रब अच्छा सा यूज करना चाहिए। ये वाला स्क्रब मैंने अरोमा का मंगाया है, अरोमा फ्रेश फ्रूट फेशियल स्क्रब है। ये मुझे 400 रुपये में पड़ा था और ये बहुत ही अच्छा ग्लो देता है, बहुत अच्छा यूज करते ही इफेक्ट दिखाता है। आपको जब भी स्क्रबिंग करनी हो, ऑयली एंड ड्राई दोनों के लिए स्क्रब करना जरूरी है, गर्मी हो सर्दी हो। आपको ऑयली स्किन वालों को 2 बार एंड ड्राई स्किन वालों को 1 बार हफ्ते में स्क्रब करना चाहिए, जिससे कि हमारी डेड स्किन निकल जाती है फेस स्किन से एंड आपका जो फेस होता है वो ग्लो करता है। तो मैं यहाँ पे क्लिंजिंग की जगह पे मैंने अच्छे से फेस वॉश अपना कर लिया है एंड अभी स्क्रब करेंगे। स्क्रब जब भी कर रहे हो तो आपको इस तरीके से गुलाब जल पूरे फेस पे अप्लाई करना है। और ये हमारा ग्लिसरीन, ये आपकी स्किन की गंदगी को, जैसे आपका जो पोर्स होता है या फिर स्किन में गंदगी से स्क्रब से नहीं निकल रही है, तो आप थोड़ा सा ग्लिसरीन उसमें ऐड कर लोगे तो आपके अंदर से जो गंदगी होती है पोर्स में घुसी होती है और सिर्फ स्क्रब से नहीं निकल पाती है, तो आप ये ग्लिसरीन थोड़ा सा अपने फेस पे ऐड कर दोगे, जो आपका डर्ट है मैल है वो उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं फुला देता है, जिससे कि आप स्क्रब करोगे तो आपकी जो डेड स्किन है वो बहुत इजीली निकल जाएगी। तो मैंने ग्लिसरीन लगा दिया है, अब इतना सा स्क्रब ले रही हूँ और अपनी फिंगर टिप से अच्छे से इसको मसाज करेंगे। बहुत अच्छी खुशबू है इसकी, इस तरीके से आपको स्क्रबिंग करना है। अगर अपनी स्किन को हेल्दी रखना है और फ्रेश एंड ग्लोइंग रख दिखाना है तो आपको स्क्रबिंग करनी चाहिए। तो आपको जरूरी नहीं कि आपको पार्लर में ही जाके करना है, आप खुद से भी कर सकते हो। अगर टाइम नहीं है तो आप रिलैक्स चाहते हो तो पार्लर में जाके भी करा सकते हो। पार्लर में जाके कराओगे तो बहुत अच्छे से आपको ट्रीटमेंट मिलेगा एंड जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आप घर पे भी कर सकते हो, तो भी आपका जो ग्लो है वो पार्लर जैसा ही आ जाएगा। फोरहेड पे हमको इस तरीके से फिंगर को चलाना होता है स्क्रबिंग करते टाइम। स्क्रबिंग को कभी भी हथेली से नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी स्किन रगड़ सकती है और ऐसे जा सकता है। तो आपको फिंगर टिप से ही हल्के हल्के हाथों से करना है। स्क्रब कम से कम आपको 10 मिनट करना चाहिए, बस यही स्टेप है। नोज पे आपको इस तरीके से करना है। तो इसको मैं 10 मिनट कर लेती हूँ, फिर वॉश करके फिर आप लोगों के साथ रिजल्ट शेयर करती हूँ। तो ये मैंने 10 मिनट अच्छे से मसाज कर लिया है, अब इसको नॉर्मल पानी से साफ कर लूंगी। इसके बाद अपना जो भी क्रीम आप यूज करते हो, क्रीम तो नहीं मॉइस्चराइजर, ऑयली स्किन वाले और ड्राई स्किन वाले अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो भी मॉइस्चराइजर आपको यूज करता है वो अप्लाई कर दीजिएगा। आपको ऐसा हफ्ते में 1 से 2 बार करना है, जिससे आपकी स्किन पे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आई होप कि ये टिप्स आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो। तो इसके बाद मैं आपको बताती हूँ साड़ी के लिए ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल। इसके बाद अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए मैं स्किन सूट जॉय का स्किन सूट यूज करती हूँ मॉइस्चराइजर के लिए। आप चाहो तो मसाज भी कर सकते हो, आपका टाइम है तो। मसाज हमारी स्किन पे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है और फायदा ही करता है। लोगों की ये गलत फहमी है कि आप मसाज करा रहे हो तो आपका स्किन डैमेज होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, ब्लीच आपको रेगुलर नहीं करना चाहिए। ब्लीच के लिए कम से कम आपको 2 से 3 मंथ ऑयली स्किन वाले एंड ड्राई स्किन वालों को 6 मंथ का गैप देना चाहिए। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हेयर स्टाइल। तो फ्रेंड्स, आज का जो हेयर स्टाइल है वो मैं बताने वाली हूँ सिर्फ एक क्लचर की मदद से। तो कैसे करना है, साड़ी बांध रहे हो और सिंपल सा आपको हेयर स्टाइल चाहिए, आपको कहीं जाना है
तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। मैंने हेयर को वॉश किया था एंड कॉम नहीं किया था और अभी कॉम कर रही हूँ। हेयर फॉल भी आप देख सकते हो बहुत कम है, एक या दो बाल निकले हैं, तो इतना नेचुरल है। तो अभी मैं क्या यूज़ करती हूँ, सब लोग पूछते रहते हैं कि मैम क्या यूज़ करती हैं। तो आप बालों को तो मैं हमेशा कट करते रहते, जैसा कि आप मेरे वीडियो में देखते होंगे, एक से दो वीक में मतलब महीने में आप मैं बालों को कट करते रहती हूँ। बट जो ग्रोथ है वो मेरी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी थी और मैंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर ली थी, फिर भी मेरा जो ग्रोथ था वो ठीक नहीं हो रहा था। तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सिंपल सरसों का तेल जो होता है, मस्टर्ड ऑयल, वो और हेड एंड शोल्डर शैम्पू। जब भी आप शैम्पू करते हो अपने बालों में तो अच्छे से स्कैल्प पे मसाज देना चाहिए। ये गलत टाइम है कि आप रगड़ डालोगे तो आपका हेयर फॉल होगा। आपका जैसे आप अपने स्किन का बॉडी का केयर करते हो, वैसे ही हेयर का जो स्कैल्प होता है उसको उसका भी केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप स्कैल्प पे अच्छे से मसाज कीजिए शैम्पू करने के बाद से और वॉश कीजिए। आपको ज़्यादा कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका हेयर फॉल ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। हाँ, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, आपके पेट की गर्मी की वजह से भी आपका हेयर फॉल, आपकी स्किन पे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो बहुत सारी टिप्स हो गई इस वीडियोज में, तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सेंटर पार्टीशन रखी है बालों की और सिर्फ एक क्लचर से ये हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ। सेंटर पार्टीशन रख के इस तरीके से बालों को लिया है एंड कॉम कर लेंगे। कॉम करते वक्त पोनी बनाते वक्त आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो पोनी टेल है बहुत ज़्यादा नीचे ना हो। ओके, एंड रबर बैंड लगाएंगे। रबर बैंड लगाने के बाद से आप अपने बालों को अपर डायरेक्शन में इस तरीके से रखोगे इन क्लचर को, ऐसे लगा देंगे। अगर आपके बाल भी नहीं तो छोटे हैं तो आप पहले हाफ हेयर नीचे को ले लीजिए और हाफ हेयर ऊपर को, और इस तरीके से क्लचर को लगा देंगे। इस तरीके से लगाओगे तो जो आपका बन बनेगा वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपके बाल बहुत ज़्यादा छोटे हैं और उसमें आपने बन को बनाया है। अब आपको क्या करना है, अपर ऊपर के जो हेयर हैं उनको इस तरीके से टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा ये हेयर स्टाइल। टू पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद से बालों को आपस में क्रॉस कर देना है एंड क्लचर के चारों तरफ लपेट के यू पिन की मदद से सिक्योर कर देंगे। और छोटे पतले बालों में भी आप इस तरीके से हैवी जूड़ा दिखा सकते हो और ये बिल्कुल अच्छा लगता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगता है और बहुत इजी है। तो आप इसको, सॉरी इधर का निकल गया है, तरीके से क्लचर को लगाने के बाद से ऊपर वाले हेयर को टू पार्ट में डिवाइड करेंगे और इस तरीके से क्रॉस करके आपको पहले एक यूपिन यहाँ लगा देना है। ओके, अब इस साइड के हेयर को क्लचर के चारों तरफ लपेटेंगे और क्लचर में इन कर देंगे, फिर दूसरी साइड के हेयर को लेके जाएंगे और क्लचर के चारों तरफ लपेट के क्लचर के अंदर ही इन कर दो या फिर आप यू पिन से सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, अब नीचे के हेयर को भी टू पार्ट में डिवाइड करेंगे और इस तरीके से क्रॉस करेंगे। क्रॉस करते ही आपको एक यू पिन नीचे में इस तरीके से लगा देना है। ओके, अब इस साइड के हेयर को क्लचर के चारों तरफ लेके जाएंगे
और यू पिंक में सिक्योर कर देंगे। दूसरी साइड के भी हेयर को इस तरीके से लेके जाएंगे और यू पिन की मदद से सिक्योर कर देंगे। और ये आपका बहुत इजी सा बन साड़ी के लिए बन के रेडी हो जाएगा, वो भी सिर्फ एक क्लचर से, और काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। क्राउन एरिया के हेयर को थोड़ा थोड़ा खींच लेंगे जिससे कि बहुत ज़्यादा फ्लैट लुक ना लगे क्राउन एरिया पे हमारे। ओके, तो इस तरीके का लुक आएगा इस हेयर स्टाइल का ओनली वन क्लचर की मदद से। फ्रंट से कुछ इस तरीके का लुक रहेगा। आप डेली में भी इसको ट्राई कर सकते हो और आप कहीं जा रहे हो तो भी ये ट्राई कर सकते हो। इसके बाद आप बड़े बड़े झुमके ईयरिंग्स जो भी आपको पहनने हैं वो आप डाल सकते हो आपके लुक को और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए। तो इस तरीके से मैं ईयरिंग्स डाल ले रही हूँ। तो आई होप कि आपको आज का हेयर स्टाइल पसंद आया हो और आज जो मैंने टिप्स बताए हैं आपको वो सारे आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे हों। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ, नेक्स्ट टिप्स के साथ पार्लर में जो काम